चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने उम्मीद है कि ट्राई किया होगा। देखते हैं क्या कहता है। आदित्य द टेलर हैज मेंटेन प्रॉपर हैज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट हैज बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग डिटेल्स। पिछले साल के और इस साल के आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की लिस्ट दी हुई है, मतलब सीधी सी बात है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बनाना पड़ेगा पिछले साल का और इस साल का। ठीक है, आगे लिखा है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर एंड ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर नोटिंग दैट शॉप फिटिंग्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 780। ठीक है, आदित्य हैज ड्रॉन ₹100 पर वीक फ्रॉम फॉर हिज ओन यूज इंक्लूडेड इन द ट्रेड डेटर इज एन इररिकवरेबल बैलेंस ऑफ 270। इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश बट हैज नॉट बीन पेड फॉर द ईयर। तो देखो ये तो डेप्रिसिएशन आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ड्रॉइंग आपकी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जब हम बनाएंगे तो उसमें हम ऐड करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये डेटर्स जो हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा उसमें से हम माइनस करेंगे, और ये जो इंटरेस्ट है 5% जो हमें देना है ये भी आपका जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी उसी में हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारे दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्मेट्स हैं, और ये आपका लास्ट ईयर का लिख देते हैं हम, हेडिंग डाल देते हैं। पूरा लिखिएगा आप, जब अगर अगर एग्जाम में आप लिखते हैं तो पूरा ही लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट, है ना। डेट हालांकि दी नहीं है तो लास्ट ईयर लिख देंगे, और ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल रहेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स है 6270। ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप डेटर्स और ये आप देख सकते हैं शॉप फिटिंग, इनमें एडजस्टमेंट है तो गलती ना हो जाए, और होता क्या है फिर काटा पीटी करना पड़ता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो क्रेडिटर्स है 6270 एंड 5890, तो दोनों में मैं लिखता जाता हूँ। ये क्रेडिटर्स यहाँ पे भी, क्रेडिटर्स यहाँ पे भी क्रेडिटर, ठीक है। कितना है 6270 एंड 5890, 6270 एंड 5890। फिर आइए लोन है 5000, 5000 लोन फ्रॉम नरेश है, तो ये लोन 5000 इधर भी लिखा और इधर भी लिखा। ठीक है, फिर स्टॉक है 12350 और 11980, 11980 और यहाँ है 12350। ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। ये लाइबिलिटीज हैं और ये आपके एसेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है स्टॉक है, यहाँ पे भी एसेट्स हैं और ये लाइबिलिटीज है, ये आपका स्टॉक है। फिर आए आप कैश पे 570 एंड 650, 570 एंड 650 ये है आपका कैश। फिर शॉप फिटिंग्स हैं 7250 एंड 7800। हाँ, तो 7250 तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि आपको ये जो भी एडजस्टमेंट रहते हैं ना ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में करने रहते हैं, ओपनिंग में कभी नहीं करना है आपको। शॉप फिटिंग्स ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जो शॉप फिटिंग है उसमें आपको डेप्रिसिएशन घटाना था, तो 7800 माइनस ये डेप्रिसिएशन है 780, तो यहाँ पे मैं 7800 लिखता हूँ और 780 माइनस कर देता हूँ, ये हो जाएगा 7020। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आइए डेटर्स, डेटर्स में से भी आप देख सकते हैं ये बैड डेट हो गया, रिकवरेबल बैलेंस है 270 का, तो 5280 तो एज इट इज लिख देंगे, और इधर हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 5280 तो ये डेटर्स हैं 5280, और इधर भी हमने डेटर्स लिखा, कितना है 4560, 4560 और 270 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 4560 माइनस 270, 4290 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे बैंक बैलेंस है 3990 एंड 4130, 3990 4130 ये क्या है बैंक, ये लीजिए बैंक। अब क्या बचा, अब जो बचा है वो है आपका ये इंटरेस्ट जो है 5% ड्यू है लोन पे। ठीक है, जो अभी तक दिया गया नहीं है, तो लायबिलिटी हुई, बिल्कुल लायबिलिटी हुई, कितनी लायबिलिटी हुई 5%, 5% ऑफ द लोन अमाउंट, लोन कितना है 5000, 5000 का 5% कितना होता है 250, तो 250 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन।
250 यहाँ पे आ गया। ठीक है, कुछ बचा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं बचा, सब हम लिख चुके हैं। बाकी जो ये ड्राइंग्स हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनेगा वहां पे आएगा, बाकी कुछ करने की आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक है, तो चलिए 11980 दिस ईयर वाली बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं पहले, एसेट साइड का। ये आता है 28070, इधर भी मैं लिख देता हूँ 28070 -5890 -5000 -250, ये आ गया आपका 16930। ये क्या है? कैपिटल, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 12350 +570 +7250 +5280 +3990, ये टोटल हो जाता है आपका 29440। इधर भी मैं लिखता हूँ 29440 -6270 -5000, ये हो गया 18170। ये भी आपका क्या है? कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल। सीधे चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, यहाँ पे हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल 16930, ऐड करना है। याद है आपको क्या? एक ही एडजस्टमेंट है ड्राइंग, बस। कितना? 52 × 100। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है 100 रुपये पर वीक। कितने हफ्ते होते हैं? ये हफ्ते होते हैं 52 एक साल में, ये आपको शायद मालूम होना चाहिए। तो × 100 कितना हो जाएगा? 5200। क्लियर है ये बात? तो 5200 ये हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, 16930 +5200, ये आपका 22130, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्या? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है? देखिए 18170, 18170 ये माइनस किया हमने। अब देख लेते हैं आंसर कितना आता है। तो आंसर आता है 3960, दिस इज योर प्रॉफिट। चलिए एक बार टैली कर लेते हैं 3960, और ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल। क्लियर है? तो बस अगला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करें, नहीं बनता है तो आप मिलते हैं। बाय बाय।